और भगवान बछड़ा चरावे के लिए गए आज। अभी गैया ना दई मैया ने, बोले तू छोटा है इसलिए छोटे छोटे बछड़ा ले जा, बड़े बड़े ग्वाल वाल गैया। बछड़ाओं की टोली अलग जाती थी और गैयाओं की अलग अलग क्यों जाती थी? क्योंकि संग संग रहेंगे तो चुकुर 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 होता रहेगी, शाम को एक बूंद दूध नहीं मिलेगा, इसलिए बछड़े अलग और गैया अलग। तो बछड़ाओं को लेकर के और अपने मित्रों की मंडली बछड़ा वाली टोली में सब ले ली और बूढ़े बूढ़े ग्वाल वाल गैया नमाऊ भेज दे। अब वहां क्या है, ये सब गए तो मैया से बोले, मैया अरे कजू टोसा तो दे, टोसा टोसा जानता? बगल में टोसा किसका? टोसा कहते हैं अपने पहले बड़े बूढ़े, अब तो होटल चल गए, पहले होटल नहीं आते तो पहले तो ही बना के खाए को सामान धर के ले जाते, बातें कहते टोसा। गंगा जी जा रहे हैं, कहूँ अंत जा रहे हैं, कहूँ दूर जा रहे हैं तो टोसा, ऐसे जी गैया चराए जाते तो टोसा ले जाते। तो सब अपना अपना टोसा निकाल के और एक जगह बैठ के सब एक दूसरे के अंदर बांटते, कोई अचार लाया हो तो तू अचार ले ले, तू का लाया हो बोले मैं यहाँ खीर, बोले मो खीर दे, एक दूसरे में से बांट बूट के तैयारी कर लेते थे। अब क्या हुआ, आज जब ये तैयार हुए तब तो भगवान को याद आई कि अरे अरे वो हमारो मधुमंगल कहाँ है? वो बहुत गरीब ब्राह्मणी को बालक हो, वो रोज इन्हीं की में से खा लेता था, कुछ लाता नहीं था और उस पर गैया भी नहीं थी, भगवान के संग में बछड़ान के संग आ जाता था। पता है क्या हुआ, आज वो लेट है वो काय में, बाकी मैया ने कही तू रोज खाली हाथ जा तो कचन कचु ले जा, तो बाकी मैया ने कढ़ी बना के और एक कूलरी में भर के, कूलरी समझे मिट्टी की छोटी सी, मटका बड़ा और कूलरी छोटी, बम कड़ी भर के और वो दौड़े दौड़े चले आ रहे। बन दूर से देखी कि बे तो शायद खाए बैठ गए, सब गोल गोल बैठे हैं, तो बन सोची अब बीच में भंगा डारे वो ठीक ना है, हमें अपनों कड़ी पी लूंगो बिन अपनों खा लो होगा और बिन लौट जाऊंगो। सुबह एक पेड़ की आड़ में खड़ा हुआ और इतने में भगवान के एक सखा ने कही, अरे कन्हैया देखो वो ऐसा लग रहा हो मधुमंगल है का। सो जे सब दौड़ पड़े, अब वान देखी कि आरे जिन शायद वान समझी कि अपनों तो खाया है, हम मेरे हुए छुड़ा के खाएंगे, तो माने जल्दी 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 कड़ी की जो गटक 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 पूरी कड़ी पी गो और माने जो कूलरी थी वो फेंक दी और बाकी टुकड़ा टुकड़ा है गए। लेकिन भगवान ने कही, मधुमंगल तू जीवन में कभी कछु लेके नहीं आयो, आज पहली बार तो लेके आयो और बहु में तेने चखायो नहीं और हमारे में तो तू हमेशा से खाते रहे हो, ऐसा स्वार्थी आदमी हमने आज तक, अरे हम तो पूर्णमासी मौसी के हाथ को कड़ी चाख्यू नहीं पाए, लेकिन तू जी मैं समझियो कि बिना चाखे रह जाएंगे। एक वाले वालो ये जितनी ठीपुरी पड़ी है ना मटकी के कूलरी के टुकड़ा, बोले जिन पे चुपट रही है ना कड़ी, सब उठाओ और चक्के देखो कैसी है। ये भगवान की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रेम की लीलाएं हैं, ऐसी लीला कहाँ रखी है। इन लीलाओं के लिए बड़े बड़े सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बड़े बड़े अमल आत्मा महात्मा तरसते हैं, आज भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पूर्णमासी पंडितानी की जो कड़ी हाथ की है, अरे पंडित बड़े बड़े भोग लगा लगा के मर गए लेकिन कभी भोग उनको लगायो नहीं, और आज जे जबरदस्ती झूठी खूंटी कड़ी का, क्योंकि वह पूर्णमासी की इतनी साधना ही, इतनी तपस्या थी, इतना प्रेम था कि आज जबरदस्ती बाकी कड़ी को भोग लगा रहे हैं भगवान, और स्वयं अपने भक्तों से कह रहे हैं कि तुम भी प्रसाद लो प्रसाद लो। लेकिन वो ठीपुरी बीनी ना तो ऐसा कुछ संयोग बने को बिल्कुल हिसाब ते बट में आई,
लाला के बट में एक ओ नहीं आई, सबने उठाए ले बोल लाला अब ना बची, हम सब पे तो है गई पर तू रह गए। भगवान ने कही मेरी चिंता मत करो, मोह काजे तो जाके मोहड़े पे मुख तो चपट्यो, जाको मोह बिगड़ रो है ना, मोह काज बहुत है।